Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shelly. How are you all? And I'm really good. I hope you all are doing very very well. So finally the day has come jab mereko aaj travel karna hai and we are going to travel together. And abhi bas main niche aake gaadi mein baithi hu and as you can see luggage sare abhi rakhwa rahe hain. So soon I will see you at the airport. बस जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत लेट चल रहे हैं तो क्विकली लगेज डलवा के फिर क्विकली चलते हैं. चलो see you. और यहाँ हम लोग निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए और मैं थोड़ा बोल नहीं पा रही थी क्योंकि ड्राइवर वाले भैया मुझे घूर घूर के देख रहे थे कि ये करना क्या चाह रही है, तो इसलिए मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ इसमें. और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ हम आ गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे और हम लोग पार्किंग में नहीं जा रहे क्योंकि हमने ऑलरेडी कार रेंटल वाली की हुई थी, तो ऑब्वियसली वो लोग हमें सिर्फ गेट के बाहर ड्रॉप कर देंगे एंड देन वील गो. तो ये है हमारी मेन एंट्रेंस और हमें ऑब्वियसली डिपार्चर वाली साइड पे ही जाना था. एंड ऑब्वियसली अराइवल्स में तो वो आते हैं जिनकी फ़्लाइट्स आती हैं, तो हमें निकलना था तो वी वर गोइंग ऑन द अपर साइड डिपार्चर वाली साइड पर. और ये आ गया दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 और यहाँ पे गेट्स हैं, तो हम कोई भी गेट के साथ के बाहर हम ड्रॉप करके उतर के और हम अंदर जा सकते हैं. और आप देख सकते हो आजकल, वैसे मेरे को जो पहले से ही पता था दिसंबर ऑनवर्ड्स सारा हॉलीडे सीज़न होता है, बच्चों की छुट्टियां होती है, तो काफ़ी रश था एयरपोर्ट पे, हालांकि हम जान में जा रहे थे. तो वी हैव जस्ट रीच्ड द एयरपोर्ट और वो सामान भी उतार रहे हैं. मिराज क्या कर रहे हो आप? ये ट्रॉली खींच रहा है. मिराज इसको नहीं खींचना, इस पर सामान रखेंगे. क्या कर रहे हो? वेट वेट, अभी चल रहे हैं, इस पर रखेंगे सामान. वी आर जस्ट गोइंग इनसाइड, आई जस्ट रीच्ड, बस सामान रख रहे हैं, देन वी आर गोइंग टू एंटर इनसाइड. मिराज और जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो चेक इन के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो मैं यहाँ पे लाइन में आके खड़ी हो गई थी. वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हो? ये क्या कर रहे हो विराज? व्हाट आर यू डूइंग? काफी देर लग रही है. और इसको देख लो, ये लड़का एयरपोर्ट पे बिल्कुल नहीं टिक रहा था और इधर उधर अपने काम कर रहा था. नो मैम, फाइनली वी आर डन विद द सिक्योरिटी चेक. थोड़ा सा मूड खराब हो गया. देखो विराज क्या हुआ, इसको चोट लग गई यहाँ पे छोटी सी, क्योंकि ये सुनता तो है नहीं, तो एकदम से इसने अपना सिर बैंग कर दिया. और ये आ गया दिल्ली का ड्यूटी फ्री और देख लो विराज इतना क्रैंकी हो गया, सिर्फ गुस्से में आके अपना टॉय फेंक दिया. और यहाँ पे अंदर सारी शॉप्स है एज यू कैन सी. नो विराज, हम जा रहे हैं फिर, वी आर गोइंग देन. और जैसे कि आप देख सकते हो अंदर घुसते ही बहुत सारे शॉप्स हैं, जैसे अल्कोहल लवर्स के लिए काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे. यू गेट ऑल द काइंड्स ऑफ अल्कोहल, तो आपको कुछ भी अगर लेना है अपने ट्रैवल के लिए तो आप ऑब्वियसली ले सकते हो यहाँ से विदाउट पेइंग द ड्यूटी ऑफ कोर्स. और आगे यहाँ पे मेकअप के लिए भी हैं शॉप्स, काफ़ी सारी शॉप्स थी यहाँ पे, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है. आप बोर नहीं होगे जैसे ही आप अंदर घुसते हो अपना इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करके. What are you looking at? Unicorn? You want unicorn? No 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 no. क्या करते हैं? सामने से दिखाओ, सामने से. उसका फेस तो दिखाओ. चोट लगी थी? आप रन कर रहे थे ना? रन कर रहे थे ना, चोट लग गई थी ना?
now we are walking towards the gates. A lion hai. What's that? और दिस टाइम इतना इंटरेस्टिंग इन्होंने एयरपोर्ट पे बनाया हुआ था, ये एक बीच में एनिमल्स का एक जोन क्रिएट किया हुआ था इन्होंने, और विराज इतना एक्साइटेड हो गया इसको देख के. फाइनली वी हैव रीच्ड द गेट एंड आई एम वेटिंग फॉर द बोर्डिंग टू स्टार्ट. अभी टाइम है थोड़ा, तो बोर्डिंग अभी शुरू नहीं हुई है और ये मस्ती तब से करता जा रहा है, टिक ही नहीं रहा. एंड यहाँ सारी फ्लाइट्स आ गई हैं. आई थिंक ट्रैवलिंग विद किड्स इज सो डिफिकल्ट ना, ये तो बिल्कुल ही नहीं टिक रहा. और पहले ही मूड ख़राब हो गया था क्योंकि जब मैं हम लोग अपना टिकट्स वगैरह बोर्डिंग पासेस कलेक्ट कर रहे थे तो इसने एकदम से अपना सिर बैंड कर लिया काउंटर पे और एकदम से इसको ब्लीड होना शुरू हो गया. दिखाओ कहाँ लगी चोट. इसके हेड पे लग गया यहाँ पे, तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया. बट चलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम कि एटलीस्ट थैंक गॉड ज़्यादा नहीं लगी. आपको चोट लग गई थी ना, नॉटी हो ना आप, आपने मम्मा की बात नहीं मानी ना, सारा फेस गंदा हो रहा है. और फिर जाके इसको थोड़ा पैम्पर किया, इसको ओरियो वोरियो ओरियो लेके दिए पैकेट में, तो जाके ही वो लिटिल नॉर्मल नाउ. चलो लेट्स गो, लेट्स गो. विराज वेयर यू गोइंग, स्लो 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 डाउन. चलो विराज आओ. और ये हम जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर. ये आ गई है हमारी एमिरेट्स की फ्लाइट. सो ये इन्होंने कनेक्शन डोर से हम अंदर जा रहे हैं. और ये आज की फ़्लाइट भी काफ़ी पैक्ड लग रही थी क्योंकि प्रॉबेबली वी रिक्वेस्टेड फॉर विंडो सीट्स, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल करके हमें एक ही लास्ट ऑप्शन मिला था, ये वाला. Wow, sunlight. Viraj, what is this? कहाँ आए हो? किसमें बैठे हो आप? आप किसमें बैठे हो? So finally we are boarding the flight. अभी flight में अभी बैठी हैं. बहुत ज़्यादा sunlight आ रही है तो. And it's around somewhere 4 o'clock in the evening. Come back. Around और 15-20 minutes अभी लगेंगे flight के चलने में. अभी तो flight board ही हो रही है. Emirates flight में आए हैं. This is how the seats are. Sweet seats are quite comfortable actually. And they have given this extra blanket and earphones. And there's a screen here. देखो विराज आ गया. There's a good entertainment screen over here and nice buttons. And this is the tray. So quite good space. Leg space is also good. Good enough for a person to sit. मैंने बड़ी मुश्किल से इसकी कलरिंग बुक में लेके आई थी साथ में, और कलर्स इसको निकाल के दिए सो दैट ही गेट्स बिजी. और ये हमारी फ्लाइट मूव होना शुरू हो गई थी एंड वी वर रेडी टू लीव. और जैसे ही फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया, द एयर होस्टेस वॉज सो स्वीट क्योंकि विराज बहुत तंग कर रहा था, तो उन्होंने इसको ये स्नैक दे दिया. और ये आ गई थी हमारी मील, और मैंने बाद में वॉइस ओवर किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही थी तो नॉइस कैंसिलेशन हो नहीं पा रहा था. सो ये प्रॉपर मील था. और सेम मैंने विराज के लिए भी ले लिया, और मैंने अपने लिए ऑरेंज जूस लिया था. तो इसमें पानी था और ये कुछ डिज़र्ट था, ये खीर थी एक्चुअली, बहुत ही यमी थी, इट वॉज़ अमेजिंग. और ये साथ में उन्होंने एक मैक्रोनी वाला सैलड दिया था, ये ड्राई सैलड ही था प्रॉपर.
और साथ में ये अमूल बटर था, छोटा सा पिकल था, चॉकलेट का पीस था एक, और ये साथ में चिकन एंड राइस लिया था हमने क्योंकि हमने नॉन वेजिटेरियन मील ऑप्ट की थी। और साथ में इन्होंने एक बहुत सॉफ्ट बन दिया था और ये रोस्टेड कैश्यू नट्स थे फॉर स्नैकिंग। तो ओवरऑल बहुत अच्छी मील थी और इन्होंने ये साथ में कुछ नमकीन भी दिया था एंड द मील वॉज फुली सैटिस्फाइंग और ये साथ में बाद में सौंफ भी दी थी। तो काफ़ी सैटिस्फाइंग मील लगी थी मुझे एंड इट वॉज़ वेरी वेरी नाइस एंड थैंक गॉड फाइनली ये टिक के बैठ गया था। इसको मैंने अपना आईपैड दे दिया था और ये अपना मील इन्जॉय कर रहा था और साथ ही साथ मैं बाहर का ये अमेजिंग व्यू इन्जॉय कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई रियली लाइक इट वॉचिंग फ्रॉम द विंडो सीट। एंड थोड़ी देर बाद जब उन्होंने मील सर्व की थी उसी की थोड़ी देर बाद ही इन्होंने टी और कॉफ़ी भी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था एंड मैंने ऑब्वियसली अपनी कॉफ़ी ली थी और उसके साथ इन्होंने ये एक स्नैक भी दिया था। और मैंने आपको बाकी की फ़्लाइट की डिटेल्स तो दे ही दी थी तो मैंने सोचा कि मैं आपको वॉशरूम का भी एक टूर दे दूँगी कि जस्ट वॉन्टेड टू शो कि हाउ क्लीन एंड नाइसली द वॉशरूम वॉज डन। सो दिस वॉज द ह्यूज मिरर इन फ्रंट ऑफ मी और प्रॉपर सिस्टमैटिकली बहुत ही क्लीन वॉशरूम्स थे इनके विच आई रियली लाइक्ड। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा एमिरेट्स के साथ बहुत अच्छा था। इट वॉज रियली नाइस टू सी कि इन्होंने दोनों ऑप्शंस दिए थे पानी के, हॉट और कोल्ड वॉट एवर यू लाइक, इन साथ में सोप डिस्पेंसर भी था, साथ में टिश्यूज डिस्पेंसर भी था और साथ में बहुत अच्छे से इन्होंने ये लोशन और हैंड वॉश भी, एक मिस्ट था और लोशन था वो भी सेटअप करके रखा हुआ था। एंड है यू कैन सी गाइज हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं दुबई और ये दुबई का स्काईलाइन इतना सुंदर लगता है। वन थिंग विच आई रियली लाइक अबाउट दुबई इज़ कि इतना लिट रहता है। और एंड अब हम फाइनली पहुंच गए थे दुबई एयरपोर्ट और हम लोग जा रहे थे टूवर्ड्स आर बैग बेल्ट। हमने सारे लगेजेस कलेक्ट कर लिए हैं, थैंकफुली सब आ गए एंड लेके जाना है। चलो फाइनली वी हैव रीच्ड दुबई और अभी रात ही हो रही है, 8 o'clock हो रहे हैं नाइट। सो ये रहा हमारा दुबई का नाइट व्यू और ऑब्वियसली आप लोगों को अभी इतना पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि रात थी और अंधेरा था, बट एज यू कैन स्पॉट काफ़ी टॉल बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे और जो लोग ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं उनको पता ही होगा इतना सुंदर लगता है। द सिटी इज़ सो लिट एंड द रोड्स आर सो नाइस एंड वाइड। तो हम लोग बस होटल की तरफ अपनी चेक इन करने जा रहे थे तो मैं ये वाला व्लॉग अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। टिल देन लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।